स्वागत आप सबका फिर से आपके अपने चैनल स्टैट्स गुरुजी पर। इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे जो रेरियो वेबसाइट है इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके अंदर आप एक टाइम इन्वेस्टमेंट करके लाइफ टाइम रिटर्न्स कैसे पा सकते हो, प्रॉफिट में कैसे रह सकते हो, इसके अंदर आपको कॉन्टेस्ट कैसे ज्वाइन करना है D3 के अंदर, रेरियो क्या है, D3 क्या है, ये भी आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो लास्ट तक बने रहना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगी, स्किप बिल्कुल मत करना। इसके अंदर मैं आपको पूरी ABCD बताऊंगा, इसके अंदर आपको ये भी बताऊंगा फ्री के अंदर $20 बोनस कैसे ले सकते हो, मतलब ₹1600 फ्री के अंदर कैसे पा सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तो मैंने क्या किया, आपको पता है डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से साइनअप कर लेना नीचे। इसका फ़ायदा क्या है, अगर आप यहाँ से साइनअप करते हो तो आपको यहाँ पर फ्री के अंदर $20 बोनस मिलेगा। अगर आप ऐसे साइनअप करते हो आपको कुछ नहीं मिलेगा। और आप $20 को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो ये भी आपको बताता हूँ मैं। समझो आपने एक पैक बाई किया इंडिया का, उसमें दो प्लेयर्स निकलते हैं एक पैक के अंदर, ठीक है। तो वो पैक है $10 का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, $5 खुद से पे करना पड़ेगा, 50% एप्लीकेबल होता है बोनस, और $5 आपका बोनस से लग जाएगा। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको ₹1600 फ्री के अंदर मिलेंगे, ऐसे आप साइनअप करो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, ये तो पार्शियल एडवांटेज हो गया बोनस का। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको यहाँ पे प्रीमियम फीचर्स मिलेंगे, मतलब अगर आप मेरे लिंक के थ्रू साइनअप करते हो तो आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत होती है विड्रॉ रिलेटेड, वेरिफिकेशन रिलेटेड, या फिर आपने कोई प्लेयर बाई किया, पैक बाई किया, वो आप में दिक्कत आ गई, वो मैं आपको सॉल्व करवा के दूंगा। मैंने अभी हाल ही के अंदर एक यूज़र का सॉल्व करवाया था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, किसी यूज़र को यहाँ पे दिक्कत आई थी, उनको अकाउंट ब्लॉक हो गया था, तो सारी उनको मैंने डिटेल शेयर करी, उन्होंने फिर पूरा इशू का सॉल्यूशन बताया था। तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत आई है ना तो वो सॉल्व मैं करवा के दूंगा। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, आप मेरे को ट्विटर के ऊपर इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हो, मैंने उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहेगा, कोई दिक्कत आए तो मैं सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो लिंक मैंने नीचे दिया, उससे साइनअप कर लिया रेरियो के ऊपर। अब अपन फिर से वेबसाइट इस लिंक पे अपन क्लिक करेंगे, ठीक है, साइनअप के लिए। मैं जैसे क्लिक कर रहा हूँ, ये लिंक दिख रही है आपको रेरियो D3 क्लब की, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। इस तरह से ये टैप ओपन होगा, ठीक है। मैं इसको ओपन इन क्रोम कर लेता हूँ, मेरे को ज़्यादा क्रोम पे चलाना पसंद है। तो फिर आपको यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आएगा जिसके अंदर आपको बोलेगा साइनअप यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप मेरे लिंक पे क्लिक करते हो आपको साइनअप का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पे साइनअप पे क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे क्या करना है, लॉगिन। पर अपना लॉगिन नहीं होगा क्योंकि अपन पहली बार ट्राई कर रहे हैं। लॉगिन तो वो लोग करते हैं जो लोग पहले से रजिस्टर्ड होते हैं। अपन रजिस्टर करेंगे साइनअप फॉर फ्री ईयर, ठीक है। इस पर क्लिक करना है साइनअप, यहाँ पे अपने को अपनी ईमेल आईडी डाल लेनी है, जिस तरह से मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है। अपनी आप ईमेल आईडी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, पासवर्ड डाल सकते हो, ठीक है। या फिर अपना गूगल पे क्लिक करना है, आपका गूगल अकाउंट है तो आप यहाँ पे किसी भी के थ्रू यहाँ पे साइनअप कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक साइनअप करके दिखाता हूँ, इससे फैंटेसी एक्सपर्ट करके मेरा एक अकाउंट था पहले, इसे मैं साइनअप करता हूँ आपके सामने, ये साइनअप हो चुका है। जैसे साइनअप होता है तो आपको ऐसा इंटरफेस आएगा, प्रोफाइल का सेक्शन आएगा यहाँ पे। अगर आपको $20 बोनस चाहिए तो आपको अपने प्रोफाइल सेक्शन पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप क्लिक करते हो तब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा प्रोफाइल लिखा हुआ। जैसे आप प्रोफाइल पे क्लिक करते हो, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तब आपके सामने यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखा हुआ आएगा। आपको अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करना पड़ेगा। जैसे आप नंबर वेरीफाई करते हो आपको OTP रिसीव होगा। जैसे वेरीफाई करने के बाद आपको $20 बोनस मिल जाएगा, सीधा सीधा, कोई दिक्कत की बात नहीं। पर आपको अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करना पड़ेगा। प्रोफाइल सेक्शन में जाना है, आपको दिख रही है, उसके अंदर जाके यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखा रहेगा अगर आपका वेरीफाइड है। नहीं लिखा यहाँ पे तो समझ जाओ आपको यहाँ पे नहीं लिखा आएगा, उस पर आपको क्लिक करना फ़ोन नंबर पे, फिर आपको OTP आएगा, वेरीफाई कर लेना। फिर आपको प्रोफाइल के बगल के अंदर एक मेन्यू बार दिखेगा, इसको बोलते हैं स्लाइडर। तो आपको उस पर क्लिक करना, 3 डॉट ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है, ऐसा वाला, ये बोलते हैं ना 3 डॉट स्लाइडर। तो उस पर आपको क्लिक करना है, फिर आपका यहाँ पे रेरियो बोनस आ जाएगा $20, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायरेक्टली आपको बोनस मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से जो लिंक के थ्रू साइनअप करते हो, प्रोफाइल सेक्शन में जाके वेरीफाई करते हो तो अपना मोबाइल नंबर। अब इसके अंदर किस तरह से कॉन्सेप्ट चलता है वो सब आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे अपन धीरे धीरे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पे ये रेडियो की सबसे पहला पेज होता है, होम पेज होता है, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो भी खुल जाएगा फिर से वो। ये देखो आप, इसके अंदर पैक्स आपको बाई करना है। अब क्या होता है, दो वेबसाइट्स हैं, एक तो रेरियो है, आपने सुना रहेगा, रेरियो के अंदर आपको कार्ड्स बाई करने रहते हैं। मतलब क्या हो गया कि जो प्लेयर्स होते हैं ना, जो आपकी टीम के अंदर रहेंगे, वो सब आप रेरियो से खरीद सकते हो। अब इनको इस्तेमाल कहाँ करना है, अब आप यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करते हो, D3 क्लब करके एक वेबसाइट दिखेगी, इस D3 क्लब पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तब ये देखो ये कॉन्टेस्ट यहाँ पे आते हैं। मतलब क्या है, D3 तो पूरी एक वेबसाइट है जहाँ पे आप कॉन्टेस्ट खेलते हो, असली धमाल मचाते हो, पर जो D3 मैंने बता दिया क्या, ये वेबसाइट है। और रेरियो जो ये भी एक वेबसाइट है, इसके अंदर आप कार्ड्स बाई करते हो, और जो D3 है इसके अंदर आप टीम्स बनाते हो, मैच के कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो, ठीक है। सिंपल चीज़ बताई मैंने आपको, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब देखो इसमें पैक्स कैसे बाई करना है। अब इसमें क्या रहता है, बहुत सारे पैक रहते हैं।
एक तो $4 का पैक है, ये $4 का है, फिर यहाँ पे देखो ये $5 का, ये $11 का, ये 11, ये 15, ये सारे से पैक्स हैं। अब आप कहोगे इन पैक्स में डिफरेंस क्या है, इनके प्राइसेस में क्या डिफरेंट है। ये $4 का मतलब 327 रुपये का, इसमें डिफरेंस क्या है, $4 के पैक में आपको दो ब्रॉन्ज कार्ड मिलेंगे। इसमें कार्ड्स होते हैं गोल्ड, सिल्वर, ब्लैक। सबसे सस्ता जो होता होता है ब्रॉन्ज, ठीक है, तांबा कहने का मतलब ब्रॉन्ज हो गया, उसके बाद होता है अपना पित्तल, मतलब ठीक है ब्रॉन्ज हो गया, उसके बाद हो गया अपना सिल्वर, उसके बाद हो गया गोल्ड, और सबसे महंगा आता है ब्लैक। तो अब देखो जो सबसे सस्ता होता है उसके अंदर ब्रॉन्ज जो पैक है $4 वाला, इसके अंदर आपके दो ब्रॉन्ज कार्ड निकलते हैं। अब अपन और आगे चलते हैं, जो आपको यहाँ पे $11 का पैक दिख रहा है, इसके अंदर आपको एक सिल्वर मिलेगा, एक ब्रॉन्ज मिलेगा, फिर एक आता है $50 का। $50 के अंदर आपको क्या मिलेगा, गोल्ड मिलेगा और एक सिल्वर मिलेगा। फिर आता है $250 का, उसके अंदर आपको एक ब्लैक कार्ड और एक गोल्ड पैक मिलेगा, ठीक है। तो अब अपन एक बाई करके देखते हैं, मैं न्यूजीलैंड डेब्यू पैक बाई करता हूँ, जिस पर बाई पे जाऊँगा, कैसे बाई करना वो भी आपको बता रहा हूँ मैं। मैं बाई पे जाता हूँ और यहाँ पर बाई करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि ये कितने का था। आपने देखा हो तो $4 का पैक था, दोबारा दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखो ये $4 का पैक है, पर आप देखें मैं सिर्फ $2 पे करूँगा क्योंकि मेरे पास बोनस है साइनअप करने का, जो मैंने आपको लिंक दिया वहाँ से। तो यहाँ पे देखो $2 यहाँ पे बोनस लग गया। अपन नीचे जाते हैं, यहाँ पे इंडियन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI से अपन पे करेंगे। यहाँ पे करता हूँ आधे पैसे 165, ये मैं पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पे मैं जाऊँगा फ़ोनपे जो अपने पास है, जैसे कि यहाँ पे मैं फ़ोनपे से करता हूँ, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं पे कर दूँगा। बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपके सामने मैं चीज़ें करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए आप, ये हो गया मेरा डन, कनेक्टिंग सिक्योरली एंड दिस इज सक्सेसफुल, पेड 165.18 रुपीज़। डन करेंगे, वेबसाइट पे रीडायरेक्ट होंगे अपन। रीडायरेक्ट होने के बाद सीधा इसके अंदर बताएगा आपका पैक बाई हो चुका है। इसको अपन ओपन करते हैं, ओपन नाउ का ऑप्शन आता है। कभी कभी आपका ऐसा डेट लिखाएगा कि इसको कब ओपन कर सकते हैं, कभी कभी लिखा आता है कि ये शाम को 5:30 बजे ओपन होगा, तो इनकी डेट रहती है कि कब ओपन होता है। अभी तो ओपन हो रहा है ये, तो इसको अपन ओपन करते हैं। खुल जा सिम सिम, यहाँ पे चिराग को रगड़ा जा रहा है, ये खुल गया भाई साहब, आबरा का डाबरा। अब इसको अपन रिवील करेंगे, यहाँ पे रिवील दिख रहा है आपको नीचे, रिवील वॉल्व, इसको अपन रिवील। मेरे को ट्रेंट बोल्ड मिले और यहाँ पे मिले मेरे को जिम निशम, इस तरह से प्लेयर्स मिलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाके खरीद सकते हो प्लेयर्स को। अब देखो मेरे पास कौन से और प्लेयर्स हैं, मेरे पास दिनेश कार्तिक है, मार्को अनसेन है, मेरे पास रैले ऋषभ, भुवनेश्वर कुमार, इस तरह से मेरे पास बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पे कार्ड के अंदर हैं। अब देखो मेरे पास कौन कौन आ गया, निशम भी आ गया, ट्रेंट बोल्ड भी आ गया, पहले मेरे पास ये 4 प्लेयर्स थे, ठीक है। तो इसके अंदर आप इस तरह से बाई कर सकते हो, ठीक है, कार्ड्स के थ्रू। अगर आपको यहाँ पे अपने खुद की मर्जी से प्लेयर्स को खरीदना है चूज़ करके, तो आप यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करो, 3 डॉट दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है मार्केट पे, दिख रहा है मार्केट, इस मार्केट पे अपन क्लिक करते हैं। मार्केट पे देखो कितने सारे कार्ड्स लोग बाग बेचते हैं, अपनी तरह यूजर्स होते हैं जो कार्ड्स को बेचते हैं। तो आप देखो यहाँ पे किसी ने निशम को $1 में बेचा हुआ है, किसी ने रैले ऋषभ को $3 में बेचा हुआ है, तो आप यहाँ पे जाके बाई कर सकते हो, इस पर आपको क्लिक करना है। पर इसमें बताऊँ दिक्कत क्या होती है, अगर आपको यहाँ पे मार्केट प्लेस पे कोई कार्ड बाई करना है ना, तो आपको जो बैंक है वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अलाउड होना चाहिए। मैं भी बाई नहीं कर पाता, सही बताऊँ तो मैं मार्केट प्लेस से प्लेयर बाई नहीं कर पाता। रीज़न क्या है कि मेरा जो बैंक है उसके अंदर मैंने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अलाउड नहीं करी है। तो आपके बैंक में इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अलाउ होनी चाहिए। सिलेक्ट बाई करना है, ये नाम का बंदा है जो इसको बेचना चाहता है। मैं बाई पे क्लिक करूँगा, बाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिटेल्स डालनी है, कितना मेरे को इस वॉलेट के अंदर ऐड करना है। मेरे को ऐड करना है $5, है तो $3 का वो प्लेयर, तो यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे अपन। नेक्स्ट के बाद अपने डेबिट कार्ड डिटेल्स वगैरह डाल दें, उसको ऐड फंड कर दें, सिंपल प्रोसेस आपका कट जाएगा वहाँ से, वो बैंक से, और आपका यहाँ पे फिर ऐड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ से प्लेयर को बाई भी कर सकते हो मार्केट प्लेस से। फिर आता है वॉल्ट सेक्शन, और पैक तो मैंने बताई दिया पैक्स क्या होते हैं, जो मार्केट में पैक्स आते हैं वो सब पैक्स होते हैं। ये देखो लेटेस्ट पैक जो मैंने अभी आपको बाई करके दिखाया था, ये वाला $4 का, इस तरह से आप पैक जाके यहाँ पे देख सकते हैं कौन से पैक्स आए हैं। अब कुछ लोग देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूजीलैंड डेब्यू पैक है, इंडिया डेब्यू पैक है, अब कुछ जगह लिखा रहेगा द ओजी पैक्स। ओजी पैक बताऊँ क्या होता है, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ओजी पैक का मतलब होता है कि जो पुराने प्लेयर्स होते हैं स्टार प्लेयर्स, जैसे कि ये एक लिस्ट है वो ओजी प्लेयर्स की, देखो ओजी सिल्वर, ओजी ब्राउन्स, ये सारे प्लेयर्स हैं, ठीक है। तो समझो आपने ओजी एक पैक खरीदा, उसके अंदर आपके यूसुफ पठान निकले। यूसुफ पठान तो यार खेलता ही नहीं है, वो तो रिटायर्ड प्लेयर है, कहाँ खेलेगा। तो आपको घबराना नहीं है। अब यूसुफ पठान का बताऊँ क्या रोल है, जो इंडिया का कोई भी मैच होगा, देखो कंट्री इंडिया लिखा हुआ है, यूसुफ पठान का नाम है। अगर आपके पास यूसुफ पठान है और इंडिया की तरफ से कोई बैटर नंबर 4 है, इंडिया के लिए बैटर नंबर 4 कौन है, ओपन करते हैं रोहित शर्मा और KL राहुल, वन डाउन आते हैं विराट कोहली, बैटर 4 हो जाते हैं फिर स्काई। तो
यूसुफ पठान का जो नाम है ना उसके आगे सूर्य कुमार यादव के पॉइंट्स मिलेंगे। इसको बोलते हैं ओजी पैक्स। ओजी पैक्स का एडवांटेज ये है ये सिर्फ इंटरनेशनल मैचेस के अंदर इंडिया के मैच होंगे उसी में एप्लीकेबल होंगे, या फिर अदर कंट्रीज के आपको प्लेयर मिलेंगे। जैसे आपको मिल गया यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए वीरेंद्र सहवाग आपको मिल गया, इंडिया के प्लेयर हैं। तो मैं आपको और लेता हूँ, जैसे कि आपको यहाँ पे मिल गया मोहम्मद कामरान अकमल लेते हैं, समझो आपको कामरान अकमल मिल गया। इसका रोल देखो क्या, अपन जाते हैं साइड में, पाकिस्तान का प्लेयर है, जब भी पाकिस्तान का मैच होगा आपके पास कामरान अकमल है, तो जो पाकिस्तान का विकेट कीपर होगा ना, जैसे कि कौन है मोहम्मद रिजवान, तो आपको कामरान अकमल के नाम के आगे मोहम्मद रिजवान के पॉइंट्स मिलेंगे। इसको बोलते हैं ओजी, मतलब लीजेंडरी पैक्स जो होते हैं। इस तरह से पूरी लिस्ट बनी हुई है, इसके अंदर कोई चिंता वाली बात नहीं है, सिंपल पूरा कॉन्सेप्ट है सब। मैं आपको इजी भाषा में समझा रहा हूँ यहाँ पे चीज़ों को, ठीक है। तो इस तरह से पैक्स बाई कर सकते हो। ओजी में यही डिफरेंस होता है और नॉर्मल में यही डिफरेंस होता है। फिर आपको यहाँ पे फिर से तीन डॉट पर क्लिक करना है। मैंने आपको होम बता दिया, मार्केट बता दिया, पैक बता दिया, D3 क्लब मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है, वो भी आपको फिर से मैं बताऊंगा। अब अपन चलते हैं वॉल्ट के अंदर। वॉल्ट क्या है, जो आपने खरीदे हुए ना प्लेट्स वो वॉल्ट के अंदर आता है, आपका जो लेखा जोखा है वो आता है वॉल्ट के अंदर। कार्ड्स अपने पास कितने, कुल मिला के 6 कार्ड्स हैं। कौन से कार्ड्स हैं मेरे पास, नीशम है, ट्रेंट बोल्ट है मेरे पास, यहाँ पे रैले रश है, भुवनेश्वर कुमार है, मार्क कॉन्सन, दिनेश कार्तिक है। वैसे आपको मैं अपना रियल जो अकाउंट है वो दिखाता हूँ, ये वाला मेरा रियल अकाउंट है। मैं आपको अंदर इसका अपना वॉल्ट सेक्शन दिखाता हूँ, मैंने कौन से प्लेयर्स यहाँ पे खरीदे हुए हैं। तो मैं वॉल्ट के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे देखो मेरे पास 201 कार्ड है, मैंने इतने सारे कार्ड्स खरीदे। मैं ऐसे ही नहीं खरीद रहा है क्योंकि इस वेबसाइट के अंदर आपको स्कोप दिखेगा, वन टाइम आपको बस कार्ड्स को खरीदना है और फिर तुम्हें कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है, फ्री के अंदर वहाँ पे विनिंग कर सकते हो। देखो मेरे पास इतने सारे ब्रांड्स ऑफ क्वेंटन डीकॉक, ये सारे लीजेंडरी पैक्स है। ओविशा, ये बैटर नंबर 3 इंग्लैंड का, बैटर 3 कौन है, डेविड मलान। अगर डेविड मलान उस मैच में नहीं खेले, फिलिप सॉल्ट नंबर 3 पे आ गए, मतलब वन डाउन आ गए, बैटर नंबर 3 हो गए, तो मेरे को ओविशा के बदले किसके पॉइंट्स मिलेंगे, जो इंग्लैंड के लिए नंबर 3 पे खेल रहा है वन डाउन, ठीक है। जिस तरह से पूरी चीज़ें हैं इसके अंदर, इतने सारे मेरे पास कार्ड्स है, 200 कार्ड्स है। तो ये कार्ड्स का ऑप्शन आ गया। अगर आपको किसी कार्ड को बेचना है तो मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाता हूँ, मेरे को कार्ड बेचना है यहाँ पे वेलिंगटन मार्ज़ा कार्ड्सों को बेचना है। मैं जाऊँगा यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आपको सेल का ऑप्शन मिलेगा, वॉल्ट में जाना है सेल के अंदर। मैं यहाँ पे सेल पे क्लिक करता हूँ, इसके देखो मिनिमम रेट क्या है, इसको मिनिमम आस्क है $5, मतलब इसको जनता ने $5 के अंदर बेचा हुआ है मिनिमम, और मैक्सिमम किसी ने 500 में बेचा हुआ है। वो तो मूर्खता होगी, अगर 500 में बेच रहे हो तो आप कोशिश करो उसको $10 तक बेच दो। मैं कोशिश करता हूँ उसको $7 में बेच दूँ, सेल लिस्ट होने कार्ड, ये लिस्ट हो जाएगा मार्केट के अंदर, अपनी तरह को यूज़र होगा उसको आके खरीद लेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ लेना देना नहीं है अपने को, सीधा बेच दो। अगर आपको लगता है मेरे को यहाँ से खेलना नहीं है, मेरे को यहाँ पे गलत इन्वेस्ट कर दिया, अगर आपको ऐसा लग रहा हो तो आप पैसे यहाँ पे ये कार्ड्स को बेच के वापस अपना रिटर्न ले सकते हो, विड्रॉल करके जा सकते हो। सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पे। ये देखो प्रोसेसिंग और लिस्टिंग, ये 4-5 सेकंड में हो जाना चाहिए। ये देखिए आप यहाँ पे ये हो चुका है। अब फिर से अपन बैक चलेंगे, बैक कर देता हूँ मैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो मेन चीज़ है ये मैंने आपको बता दिया, या तो वॉल्ट में अपने जो कार्ड्स होते हैं वो सब दिखा, मतलब यहाँ पे दिखते हैं। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, फिर से अपन इस तीन डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा D3 क्लब का। मतलब क्या है, जो रेरी वेबसाइट है इसके अंदर अपन कार्ड्स खरीदते हैं, अपने प्लेयर्स खरीदते हैं, माहौल बनाते हैं यहाँ पे। जो असली यहाँ पे मैदान है वह D3 क्लब, इस पे अपन क्लिक करेंगे, यहाँ पे कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे अपन कॉन्टेस्ट देख सकते हैं किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। अब देखो मैच है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का, रिवार्ड पूल है $1,000 का, गलत सुन रहे हो, $1,00,000 का प्राइस पूल है जी, बहुत बड़ा प्राइस पूल है $1,00,000 का। इस पर अपन क्लिक करते हैं, मैं इसको ओके करता हूँ। अब देखो इसके अंदर क्या डिफरेंस है, ड्रीम इलेवन के अंदर अपन 11 प्लेयर चूज करते हैं, D3 के अंदर अपन 3 प्लेयर चूज करते हैं, ठीक है, डिफरेंस है। ड्रीम इलेवन के अंदर अपन कैप्टन वाइस कैप्टन चूज करते हैं, यहाँ पर अपन सिर्फ कैप्टन चूज करते हैं। ड्रीम इलेवन के अंदर 7-4 का कॉम्बो होता है, मतलब एक देश के आप मैक्सिमम 7 प्लेयर ले सकते हो, पर इसमें क्या है आप एक देश के मैक्सिमम 2 प्लेयर ले सकते हो और आपको दूसरे देश का एक प्लेयर लेना पड़ेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ लेना देना नहीं है। अब देखो इसके अंदर आपको नीचे दिखाएगा इस मैच के अंदर आपके कितने कार्ड एप्लीकेबल है। मेरे पास इस मैच के अंदर 38 ऐसे कार्ड्स, ऐसे प्लेयर्स है जो उसको मैं इस मैच में इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये देखो कौन कौन है, ये भी दिखाएगा लिस्ट के अंदर। फिन एलन है, कामरान अकमल, तो मैंने आपको बताया पाकिस्तान का विकेट कीपर कौन है, मोहम्मद रिजवान, तो वो ओजी पिक्स में आते हैं। नशीम शाह, हैदर अली, शोड़ी, ट्रेंट बोल्ट, मार्टिन गप्तिल, नशीम शाह, शुदाब खान, ये सब मेरे पास हैं। अब इसमें देखो किस तरह से कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है। स्टार्टर कॉन्टेस्ट आता है, मैंने आपको क्या कहा था कि जो ब्रॉन्ज कार्ड है सबसे सस्ता आता है, तो इस कॉन्टेस्ट में अपन ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कंडीशन क्या लिखी हुई है आप पढ़ो, कंडीशन है 3 ब्रॉन्ज कार्ड अपन इस्तेमाल कर सकते हैं स्टार्टर कॉन्टेस्ट के अंदर, ठीक है। और फिर जो दूसरा कॉन्टेस्ट है एक्सपर्ट का, एक्सपर्ट में 2 कॉन्टेस्ट होता है, इसमें एक में मिनिमम 2 सिल्वर चाहिए, सिल्वर पैक महंगा आता है, तो ये अलग सेक्शन हो गया।
फिर यहाँ पे मिनिमम दो गोल्ड चाहिए, इसके अंदर आपको एक ब्लैक एक गोल्ड एक सिल्वर चाहिए। इस तरह से पूरी चीज़ें चल रही हैं। मैं जाता हूँ यहाँ पे इस कॉन्टेस्ट के अंदर, इसके अंदर अपना प्राइस पूल कितना है, $61,000 का है। इसको अपन इस पर क्लिक करेंगे, ये दिख रहा है अल्टी पल्टी का साइन, इस पर क्लिक कर दें, अल्टी पल्टी कर दें, इसमें पूरा रिवॉर्ड पूल आएगा। अगर आप पहले रैंक पर आते हो $6,000, दूसरे पे आते हो $3,000, तीसरे पे आते हो तो $1,500, चौथे पांचवे पे आते हो तो $750 मिलेगा। ऐसे करते 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 अगर आप यहाँ पे 8,000 तक भी आते हो तो आपको $4 बोनस मिल जाएगा। इससे बेहतर चीज़ क्या हो सकती है? अभी तक इसमें टीम ज्वाइन करी है 5,000 के आसपास, ठीक है। तो अपन एंटर फॉर फ्री करते हैं, मैं कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या कंडीशन है, तीन ब्रॉन्ज कार्ड लेना है मेरे को, मैं कौन से ब्रॉन्ज कार्ड के प्लेयर्स लेता हूँ। मैं बबर अजम को ले लेता हूँ, यहाँ से मैं ले लेता हूँ भाई साहब कामरान अकमल को, जो मोहम्मद रिजवान है, बाबर रिजवान यहाँ पे हो गए। दोनों भाई साहब रन बिल्कुल नहीं बना रहे थे हाल ही में, और यहाँ पे अब मेरे को एक देश का प्लेयर लेना पड़ेगा, न्यूजीलैंड का, क्योंकि दो तो मैंने ले लिए मैक्सिमम पाकिस्तान से। अब देखो मैं यहाँ पे पाकिस्तान का एक और प्लेयर लूँगा ना, ले नहीं पाऊंगा। ये देखो आप क्या आ रहा है, एटलीस्ट वन प्लेयर फ्रॉम ईच टीम, मेरे को अब दूसरे देश से एक प्लेयर तो लेना ही है। कौन सी टीम से, न्यूजीलैंड टीम से। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टिम साउदी को, बेहतरीन स्टैट्स है, कैप्टन कर देता हूँ यहाँ पे मैं बाबर को, ठीक है। ये टीम बन चुकी है यहाँ पे, सिंपल कॉन्सेप्ट है पूरा। इस तरह से आप यहाँ पे कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, मैंने सारी चीज़ आपको बता दी है। और अगर आप यहाँ पे देखना चाहोगे कि मैंने किस तरह से कॉन्टेस्ट यहाँ पे ज्वाइन करे थे, ये आप खुद जाके यहाँ पे देख सकते हो। इसके अंदर $26 प्लस 13 रैरियो बोनस मेरे को यहाँ पे मिला था, तो इसके अंदर पूरी चीज़ें हैं, कोई दिक्कत वाली चीज़ है ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। तो आप आइए यहाँ पे खेल के देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके अंदर मैंने $125 प्लस 4 इस तरह से पूरी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप आइए साइन अप करिए, इसके ऊपर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझा दिया किस तरह से इसके अंदर खेलना है, किस तरह से क्या करना है, ठीक है। तो विड्रॉल का मैंने आपको पहले बताया, इसमें विड्रॉल कहाँ से होता है, मेरा अभी मैंने विड्रॉल डाला हुआ है, ये देखिए आप, मैंने वेरीफिकेशन का वीडियो पहले बनाया, आप इसके अंदर कैसे वेरीफाई करते हो तो वीडियो जाके एक बार देख लेना, मैंने लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ से जाके देख सकते हो कि अपना वेरीफाई कैसे करना है, विड्रॉल कैसे करना है। तो अपने को वॉलेट सेक्शन में जाना है, मैं यहाँ पे वॉलेट सेक्शन पे क्लिक करता हूँ। अब ये ध्यान दो, कुछ लोग D3 से यहाँ पे विड्रॉल करने की कोशिश करेंगे, यहाँ से विड्रॉल नहीं होएगा, आपको रेरी की वेबसाइट पे आना पड़ेगा विड्रॉल करने के लिए। मैं यहाँ पे जाता हूँ, विड्रॉल पे क्लिक करता हूँ, वॉलेट के ऊपर विड्रॉल का ऑप्शन आएगा, मैं इस पर विड्रॉल पे क्लिक करता हूँ। मिनिमम आप यहाँ पे $25 विड्रॉल कर सकते हो, और एक महीने के अंदर आप सिर्फ एक बार विड्रॉल कर सकते हो। अगर आपको दूसरी बार विड्रॉल करना है एक महीने के अंदर, तो आपको $25 मतलब ₹2,000 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। ये इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाइए, अपने रकम डालिए और फिर यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिए, ठीक है। तो अभी देखो मैंने एक विड्रॉल रेस किया हुआ, आपको दिखाता हूँ मेरा कौन सा विड्रॉल था वो। यहाँ पे जाता हूँ मैं, ये देखो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री विड्रॉल, ये डेबिटेड हो चुका है मेरे अकाउंट से, अब ये सक्सेसफुल मेरे पास एक दो दिन के अंदर आ जाएगा। $109 मैंने विड्रॉल किया था, मेरे को मेल भी आया था, मेल आपको दिखा देता हूँ अगर आपको कन्फर्मेशन के लिए चाहिए। मैं देखिए, योर विड्रॉल हैज़ बिन इनिशिएटेड, स्टैट्स गुरुजी, यहाँ पे नाम आ रहा है मेरा, यहाँ पे सब टोटल $109.9 है, और फ्री मेरा पूरा विड्रॉल हुआ, सर्विस चार्जेस नहीं लगे, मेरा बैंक डिटेल्स यहाँ पे शो कर रहा है, लास्ट में 0281 है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है। कोई झंझट नहीं, 4-5 दिन के अंदर विड्रॉल आ जाएगा। मैंने इसको कल रेस किया था, तो इसके अंदर विड्रॉल का प्रूफ भी आपको मैंने दिखा दिया। तो खेलिए यहाँ पे, इसके अंदर फ्यूचर ये भी है कि आप कोई प्लेयर को एक बार लेते हो तो आप उसको टेस्ट मैच के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, T20 में इस्तेमाल कर सकते हो, ODI में इस्तेमाल कर सकते हो, T10 में इस्तेमाल कर सकते हो, किसी में भी इस्तेमाल कर सकते हो, IPL में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप एक बार एक प्लेयर को खरीदते हो, कोई भी मैच के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, यह सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो साइन अप करिए, लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाइए यहाँ पर साइन अप करके देखिए, आप एक बार खेल के देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। ये पूरा विड्रॉल का मैंने वीडियो बनाया था, देखो स्टेप बाय प्रोसेस ऑफ रेरियो विड्रॉल प्रूफ, ठीक है। तो साइन अप कर लेना, लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, देखते रहिए स्टार्ट हुई। होप मैंने आपको वीडियो के अंदर सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हो, और बस इतना ही कहूँगा, साइन अप कर लेना, कोई दिक्कत हो। मैंने अपना टेलीग्राम प्लस ट्विटर का इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिया, आप मेरे को वहाँ पर टेक्स्ट कर सकते हो, पिंग कर सकते हो। जय हिंद, प्यार बनाए रखना, कोई गलती हुई तो माफ़ करना दोस्तों। जय हिंद, साइन अप करिए, लिंक नीचे दिया हुआ है।